मीशो ऐप में जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें वहाँ पे एड्रेस डालने का ऑप्शन आता है, एड्रेस भरने का ऑप्शन आता है। तो हम गांव से हैं या शहर से हैं, कहीं से भी हैं, तो हम अपना एड्रेस कैसे भरते हैं, कैसे फिल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ सारी नॉलेज साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो होगी काफ़ी शानदार, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, सब कुछ आपको सिखाते हैं कि कैसे आप यहाँ पे ना मीशो ऐप में अपना एड्रेस वगैरह फिल करेंगे। आइए लाइव स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं, आइए बताते हैं कि मीशो में आप अपना एड्रेस कैसे फिल करते हैं, कैसे भरते हैं, आइए सिखाते हैं। एड्रेस भरने के लिए सबसे पहले आपका यहाँ से नाम मांगेगा, तो जो भी आपका नाम वो अपना दे सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, तो आप यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ से भर सकते हैं। अब इतना डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट वाली बटन को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, गेटिंग और लोकेशन का ऑप्शन आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो पिन कोड होगा, हो सकता है ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है, ना ऑटोमेटिक आए तो आपके आधार कार्ड के पीछे आपका पिन कोड होता है, इसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। सिटी में यहाँ पे आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हो, जैसे मैं गोरखपुर से हूँ तो गोरखपुर यहाँ पे भर दिया। स्टेट में आपको उस राज्य का नाम लेना है जिस राज्य के आप रहने वाले हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उत्तर प्रदेश ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से ले लिया। नीचे है हाउस नंबर बिल्डिंग नेम, यदि आपका हाउस नंबर बिल्डिंग नेम है तो ठीक है, नहीं है कोई हाउस नंबर या बिल्डिंग नेम तो यहाँ पे 5 times 0 डाल दीजिए, ठीक है, इससे होगा क्या कि यह वाला ऑप्शन फिल रहेगा तो आपका एड्रेस सेव हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। नीचे यहाँ पे रहेगा रोड नेम एरिया कॉलोनी, तो इसमें आपको पूरा डिटेल से अपना एड्रेस लिखना है। जानते हैं कैसे, जैसे कि आपको यहाँ पे यदि आप शहर से हैं तो आपको कॉलोनी लिखना है, गाँव से हैं तो विलेज लिखना है, ठीक है। विलेज के बाद यहाँ पर अपना नाम जो भी हो आपका विलेज का नाम दीजिए, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम दीजिए, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिए, यह तीन चीज़ का नाम यहाँ पर देना है इस वाली लाइन में, अपना विलेज, अपना पोस्ट ऑफिस, अपना डिस्ट्रिक्ट। तो विलेज के आगे जो भी आपके विलेज का नाम हो या कॉलोनी का नाम हो वह यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से दे दिया विलेज गोरिया, पोस्ट यहाँ पे दे दिया नेवादा, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जो भी हो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं गोरखपुर से तो गोरखपुर दे दिया। अब इतना करने के बाद एड्रेस को सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है, उसके बाद एड्रेस सेव हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और आप यहाँ पे कंटिन्यू करके अपना ऑर्डर कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।